आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरा टॉपिक है वीडियो बनाने का वो गर्मियों के लिहाज से है, गर्मियों के हवाले से है, क्योंकि आगे गर्मियां आ रही हैं और अभी भी गर्मी काफ़ी हो चुकी है, मई का मिड हो चुका है। तो अभी बर्ड्स जो हैं फर्स्ट क्लास के या सेकंड क्लास के वो मोल्टिंग की तरफ आएंगे, ठीक है। जो मोल्टिंग की तरफ बर्ड आएंगे तो जब बर्ड मोल्ट में होता है तो अगर आप उसको दिन में एक दफ़ा शावर दे देते हैं तो उससे उनके बर्ड जो है कि जो नए पर आते हैं वो शाइनिंग वाले होंगे और पर जो हैं वो नए निकलेंगे, वो टूटेंगे भी नहीं। तो जो इनके नए पर निकलेंगे वो टूटेंगे भी नहीं और वो उनमें शाइन बहुत अच्छी होगी। उनका जो नए टेल वगैरह जो इनकी नहीं निकलती है वो भी नहीं, अक्सर आपने देखा होगा कि टेल जो है ना वो टूट के गिर जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कैल्शियम की वजह से भी होता है और लेकिन परों की कमज़ोरी की वजह से भी होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगी जो मैं खुद काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, आपको उसका इस्तेमाल भी ठीक तरीके से बताऊंगी, उसकी जो प्राइस है वो भी बताऊंगी और बर्ड्स को आपने शावर देना है कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने एंड तक डिटेल से देखना है। अभी आप देखेंगे जो मेरे आपको बर्ड्स नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह कितने हेल्दी हैं और इनके कलर, इनके फेदर्स, इनका साइज़ आप सब देख सकते हैं। तो सबसे पहले ही बात यह है कि बर्ड्स को गर्मियों में केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सर्दियों में तो ये होता है ना कि सर्दियों में आपने टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, बर्ड्स को सर्दी से बचाना होता है, लेकिन गर्मियों में गर्मियों के मौसमों से बचाना होता है, गर्मियों में इनको जो गर्मी लगने से बचाना होता है, लू से बचाना होता है। गर्मी में आप इनको ऐसी चीज़ नहीं दे सकते, इनको मतलब कि गर्मी में कोई भी अगर आप ऐसी कोई सब्ज़ी या फ्रूट देते हैं ना इनको फ़ौरन मोशन लग जाते हैं। तो गर्मी में काफ़ी एहतियात करनी होती है। सबसे जो बड़ी रीज़न है ना बर्ड्स को मोशन लगने की, वो मैं आपको बताऊँ आज तक आपको किसी चैनल पर नहीं आपने ये सुना होगा। बर्ड्स गर्मियों में आप जब इसको कोई सब्ज़ी डालते हैं ना या आप इनको कोई भी फ्रूट डालते हैं, कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट डालते हैं ना और आपका बर्ड वो सब्ज़ी और फ्रूट खाता है तो उसके बाद क्योंकि गर्मियाँ हैं वो फ़ौरन साथ साथ पानी पीता है, साथ साथ आपने जो सब्ज़ी दी होती है वो खाता है। वो पानी और सब्ज़ियों या फ्रूट के कम्बिनेशन से ना बर्ड को मोशन लग जाते हैं। तो खैर ये एक और टॉपिक है, इस पर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जब बर्ड्स मोल्टिंग से आते हैं इनको विटामिन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, क्योंकि नए पर बर्ड ने निकालने होते हैं, पुराने पर वो सारे गिरारा होता है। तो आप इनको दिन में एक दफ़ा लाजमी शावर कर दिया करें, ज़्यादा शावर भी नहीं करना, क्योंकि ज़्यादा शावर करने से ना बर्ड दोबारा मोल्टिंग की तरफ आ जाता है। तो दिन में आप एक दफ़ा इनको शावर कर दें, ज़्यादा गर्मी भी ना हो उस टाइम, शाम के टाइम कर दें या सुबह के टाइम कर दें और रात का टाइम भी ना हो, ठीक है। तो जिस चीज़ से मैं शावर करती हूँ ना वो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको डिटेल में उसकी मैं दिखाती हूँ कि मैं शावर कैसे देती हूँ, क्या चीज़ वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो बर्ड्स है के फेदर्स है ना वो शाइनिंग वाले होते हैं, ठीक है। ये इनके परों में बहुत शाइन होती है, इनके पर गिरते नहीं हैं, इनके पर बहुत अच्छे होते हैं। और एक और चीज़ उसका ये भी फ़ायदा है कि इनके जुएँ नहीं पड़ते हैं। गर्मियों में बर्ड्स के जुएँ पड़ जाती हैं ना या बरसात के मौसम में जुएँ पड़ जाती हैं, तो इनके जुएँ नहीं पड़ेंगी। आपको ये मैं चोटी देती हूँ, ठीक है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये आप देख रहे हैं कि मेरे पास एप्पल साइडर वेनेगर है, ये देख सकते हैं आप, सेब का सिरका। आपने ये ले लेना है सेब का सिरका, बेस्ट ये है जो मेरे पास है। इसके अलावा आप कोई भी किसी भी कंपनी का यूज़ करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, किसी भी कंपनी का आप यूज़ कर लें। ये मेरे पास ये देखें, यहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी, इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसके प्राइस क्या है। आई थिंक ये 350 से 400 तक का होगा, 400 रुपये तक का ना, और 473 ml है ये, ठीक है। तो ये आपने इन बर्ड्स मेरे पास ये है, साथ आप देख रहे हैं कि मैंने शावर रखा हुआ है, ये इसमें मैं इसमें ना एक ढक्कन ये वाला ऐड करूँगी सेब के सिरके का और फिर मैं अपने बर्ड को इसे शावर दूँगी। ये शावर देने का मकसद मैं आपको बता चुकी हूँ कि बर्ड के पर नहीं गिरते, इनके जुएँ नहीं पड़ते, इनके जो नए पर आते हैं वो बहुत शाइनिंग वाले होते हैं। तो ये बेस्ट है, सेब का सिरका और भी काफ़ी बर्ड के फ़ायदेमंद है, दूसरी चीज़ों में भी यूज़ होता है। उस टॉपिक में बाद में वीडियो बनाऊँगी सेब के सिरके के क्या क्या फ़ायदे हैं बर्ड के लिए,
उस टॉपिक में बाद में वीडियो बनाऊंगी एक और। फिलहाल मैं इनको शावर देने लगी थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। आपने इस वाली बोतल में एक ढक्कन ये डाल देना है, ठीक है। इसी हिसाब से आपके बर्ड्स को जितना पानी शावर लगता है इसी बोतल में डालेंगे। तो आप एक दफ़ा बोतल भरेंगे, दो दफ़ा भरेंगे तो फिर एक और ढक्कन डाल लेंगे, नई बोतल भरेंगे फिर एक और ढक्कन डाल लेंगे। तो आपने ये एक ढक्कन जो होता है ना ये 5 ml के बराबर होता है। आपने एक ढक्कन ये डालना है इस वाले में और फिर आपने जो है अपने बर्ड्स को शावर देना है, ठीक है। मैं अभी आपको डाल के ना मैं अपने बर्ड्स को इसको शावर करूँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये लाजमी शेयर करूँ क्योंकि ये जितनी नॉलेज हो दूसरों में उतनी नॉलेज कन्वे करनी चाहिए ताकि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे को भी फ़ायदा हो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफिज़।